तो हे गाइस नमस्ते, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अब आप लोग सोच रहे हैं सौरभ भाई क्या बात है, आज चाबी क्यों घुमा रहे हो? चाबी इसलिए घुमा रहा हूँ क्योंकि भाई चेक दिस आउट, अपनी जो ये ड्यूक है ना, इस पे इतने दिनों से तुम लोग को पता है मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, बिकॉज तुम लोग देख ही रहे हो अपन प्रीति से घूम रहे हैं, रामबो से घूम रहे हैं, यहाँ तक कि जो अपनी धनों को भी चला रहे हैं। तो ये मत समझना कि सौरभ भाई अभी जो है केटीएम से कहीं घूमने जा रहे हैं, घूमने चलेंगे, निकलेंगे, मोटो ब्लॉग वगैरह करेंगे, पर फिलहाल तो चेक दिस आउट इतनी ज्यादा गंदी हो रही है ना, यहाँ देखो पूरी धूल ही धूल है, इधर तो देखो पूरी धूल मिट्टी में हो रही है, कितनी ज्यादा गंदी हो रही है। अब मेरा मन कर रहा था गाइस मेरे को बाहर जाके इसको नहीं धुलवाना, ब्लॉग वगैरह जो है मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर ही दिया, आज कुछ काम भी नहीं मेरे पास और घर के भी ऐसा कुछ काम नहीं कि मुझे कहीं बाहर जाना पड़े, तो बेफिजूल तो बाहर जाऊंगा नहीं गाइस, है ना, तुम लोग को पता है भाई जो रियल टाइम करता हूँ वही ब्लॉग में दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि ब्लॉग के लिए मैं कुछ अलग से करता हूँ। फिलहाल तो केटीएम को बाहर निकालते हैं और चेक दिस आउट भाई, आज जो है अपने पास भाई सोने की बाल्टी है, इस सोने की बाल्टी से जो है अपन ड्यूक को धोते हैं। ये लग गई भाई चाबी, काफी टाइम हो गया इसको ऑन नहीं किया मैंने भाई, बैटरी भी खराब हो जाती है पता है रखे रखे। देखो भाई फ्यूल है सौरभ भाई गाड़ी नहीं चला रहे तो जो है फ्यूल नहीं है ना, अपन ने इसमें अच्छा खासा पेट्रोल भरवाया था लास्ट टाइम जब चलाया था, देखो कितने चार काटे हैं गाइस, जिसमें चार काटे हो गई भाई, हो गई। इसका साइलेंसर पता है क्या होता है? नहीं पहले की जो केटीएम आती थी ना गाइस, चेक दिस आउट, यहां पर रहता है, ये दिख रहा है आपको, यही है इसका एग्जॉस्ट। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अब अपन अपनी ड्यूक को ना बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने से पहले तुमको एक मस्त चीज दिखाता हूँ। ये आपको छोटी सी चीज दिख रही है, मतलब मस्त क्या, मतलब अभी मैं क्या करने वाला हूँ वो दिखाता हूँ। ये गैप दिख रहा है, इसमें ना अपने मोबाइल, ये जो मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा है ना, मैं इसको इस पे टिका दूंगा और यहाँ से अपन सिनेमैटिक्स लेंगे, गाड़ी को मैं बाहर निकालूंगा। देख लो भाई इतनी मेहनत करता है एक व्लॉगर, तो मेहनत करता है ना, रिस्क लेता है, यहाँ से मोबाइल देखो गिर भी सकता है, तो इसी बात पे लाइक कर दो। ओ भैया गिरिए मत, ये देखो भाई मेन तो धूल जो थी ना इसकी यहाँ लगी है, इसमें तो मुझे कपड़ा लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए बाल्टी और ये तो है, शैम्पू भी है। इससे भी कितनी सारा धूल हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ ये बेचारी बगल में खड़ी तो इसको भी साफ कर ही देते हैं, क्योंकि यूज तो देखो अपन इसको भी करते ही है ना, पर मेरा मन नहीं था, मैं सोच रहा था थक गया यार अंदर चलो, पर मैं थोड़ी हिम्मत लाई अंदर से, देखो मैंने कहा चलो घर की गाड़ियां यार हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे एक बात कही थी ना कि नीचे जाके 50 रुपए में भी धुलवा सकते गाड़ियां, पर क्यों यार फालतू पैसा वेस्ट करना, कभी कभार अपन को गाड़ियां ना घर में धो लेनी चाहिए। तो एक सीख ले लो भाई, तुम लोग जो व्लॉग्स देख रहे हो ना, अगर तुम्हारे घर में भी तुम लोग गाड़ियां रखते हो, गाड़ियों का यूज करते हो, बाहर भी धुलवाया करो पर कभी सभी ने अपने घर में भी धो लिया करो। ओम फोम भाई देखो क्या सेक्सी लग रही है भाई, हाइट मजा आ गया, मेहनत रंग लाई भाई पूरी की पूरी अच्छे से ना, देख लो भाई ऊपर ना नीचे शीशे वगैरह, इनफैक्ट ना मैंने यहाँ पर भी अच्छी तरीके से ना वो मारा है कपड़ा घिस घिस के, बिकॉज ना ये एरिया भी बहुत ज्यादा डस्ट में हो गया था, ये कह सकता हूँ मैं सौरभ भाई का काम ना मुझे पसंद आ गया। अब देख लो धनों को भी मस्त जो है भाई मैंने चमका दिया, अब जो है भाई बस गाड़ियों के सूखने की देरी है, एक कपड़ा और मारेंगे और सौरभ भाई इसके बाद जो है भाई खुद को भी साफ करेंगे, जितना साफ इसको किया है ना उतना खुद को भी करके थोड़ी देर बाद तुमसे मिलता हूँ, है ना। पार्सल वाला आया, सौरभ का कुछ सामान होगा, नहीं उसने बोला था आप रिसीव करो। अच्छा, नहीं आप रिसीव करो, कुछ भी मंगवा रहा है आजकल, क्या है भैया? पार्सल है नॉर्मल, उनको नहीं मालूम किसने मंगाया। विमल बोलो जुबान केसरी, क्या क्या मंगाता रहता है, नहा रहा है अभी महाराज, कहाँ का है पार्सल? आवाज दिया है कि कुछ आया है तो सौरभ की गई रही, सौरभ ने मंगाया भाई। भैया अमाउंट है 450, 449 खोल के देखती हूँ क्या है, अच्छा हुआ नहा रहा है। ये पैसे तुम ही दे रही हो मुझे लग रहा है रोजो इसको। देवियों और सज्जनों क्या बोलते हैं नहीं नहीं कट
तो देवियों और सजनों, मेरे साथ ना भाई अभी तुम लोगों ने देखा होगा कुछ हुआ, जब तुम्हारा भाई गया था भाई नहाने, इस दौरान ना भाई एक घटना हुई है जो मैंने अभी आके अपने मोबाइल में देखी है। हमारा जो पार्सल है ना गाइस, किन्हीं लोगों ने ना हथिया लिया और उसके बाद जो है उसको छुपा भी दिया है। अब आओ भाई चले जा रहे हैं इन लोगों के पास, पूछे तो ऐसा क्यों किया। क्या बात है ये, क्या हो रहा है ये, क्या? अरे भोली गाय ना बनो, इतनी भोली नहीं हो। क्या हो गया? क्या किया अभी, पार्सल आया था मेरा, कहाँ है? किसका पार्सल आया? अरे कितनी एक्टिंग कर रही हो, वीडियो नहीं है फोन में अभी बनाई तुम लोगों ने, शो मार तुमने, कहाँ छुपाया? कहाँ छुपाया? तो वो तो कुछ मेरे लिए आया है। मेरा पार्सल है वो, बायोटिन की गमीज बुलाई थी मैंने। हाँ, बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है, दिन में बस एक गोली खानी है, बाल हेल्दी रहते हैं। गाइस मम्मी भी खा सकती है? नहीं। कहाँ रखा है जल्दी बताओ, बता नहीं रही, दिखाऊंगा सबको, देखूंगी मैं अभी क्या है उसमें। अच्छा, मेरे काम की चीज है तो ठीक है, नहीं रखूंगी। भाई देख लो गाइस ऐसा होता है भाई। क्या गरम कर रहे हो? सब्जी है, आलू की है, लगा दो यार, भूख तो लगी रही है। एंटीक पीस है भाई, हमारी मम्मा ना बिल्कुल एंटीक पीस है भाई। मुझे पता ही नहीं भाई आजकल ना इन लोग को ही बड़ा मजा आने लगा है, पता है व्लॉग व्लॉग करने में। ये क्या, अब दिन भर देखो मैं डेली व्लॉग्स करता हूँ, मेरे को देखते देखते ना इन लोग को भी गाइस अब इतना मजा आने लगा है ना, तो ये लोग भी कभी फोन उठा लेते हैं। खैर मेरे फोन का जो लॉक वगैरह इन लोग को सब पता है, लॉक ही बदल देता हूँ भाई, ना कैमरा वैमरा खोल पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे लोग, क्या कहते हो ऐसा करते हैं? बट ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, फन है। अभी ना मम्मा बस खाना लगा रही है, मैं खाना खा लेता हूँ गाइस, और उसके बाद जो है वो देखो केटीएम अपनी मस्त खड़ी हुई है कब से बाहर धुल के चकाचक, और मैं भी जो है बिल्कुल चकाचक हो गया हूँ, तो चलेंगे थोड़ा कहीं मार्केट में घूम घाम के आएंगे, है ना। इस खाना तो मेरा हो गया था, अबे तेरी की, आजा आ गई। खाने के बाद भाई कुछ मीठा खाना भी तो जरूरी है। चलो गाइस शोम भाई भी आ रहे हैं और मम्मी भी आ रही है, हम लोग ना नीचे तक ही जा रहे हैं और मॉल के पास में, शिवम भाई को कुछ शॉपिंग करनी है उसके लिए, तो उस पर्पज से हम लोग नीचे जा रहे हैं। मैं जाऊंगा ड्यूक से भाई, ये लोग जाएंगे ढंडो से, बिकॉज थार अभी है नहीं। देख रहे हो भाई प्लास्टिक्स कितने बढ़िया तरीके से इसके पूरे ब्लैक ब्लैक चमक रहे हैं, नहीं आज भी देख लो भाई, अरे बाबा फुल चमक रहा है, कांच भी है ना। तो गाइस जॉकी से तो शॉपिंग हो गई है, कच्चे वगैरह लेने आए थे भाई, और क्यों आते हैं चौकी पे, तो कच्चे ले लिए मस्त प्रिंट वाले। तो चलो भाई अब चल रहे हैं हम लोग वापस घर तक जा रहे हैं, शायद अनुग्रह भैया का फोन आया, हो सकता है कि वो भी आ रहे हैं, अगर वो आएंगे तो थोड़ा कहीं घूमने वगैरह चल देंगे। हक्टर आ गई, हक्टर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का बड़ा पार्ट क्या होता है, हक्टर, अनुग्रह भैया का हक्टर आ गया। अब हम लोग जा रहे हैं घूमने, मैंने तुम लोग से कहा था ना अनुग्रह भी आने वाले, तो हुआ तो कहीं गेड़ी वेड़ी मार लेंगे, तो चलते हैं गाइस थोड़ी गेड़ी मार के आते। तो यार हम लोग ना वापस आ गए घर पे, अब मैंने ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्यों नहीं किया बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, इसलिए नहीं किया क्योंकि यार हम लोग अपना थोड़ा पर्सनल टाइम, मतलब पर्सनल क्या, मतलब सब चीज तो तुम लोग को दिखाई देता हूँ, हमने सोचा यार थोड़ी देर ब्लॉग नहीं करते, मस्त जो बैठते ऐसे, हमने सिर्फ खाया पिया, क्योंकि देखो शाहपुरा पे थे, तुमने सिनेमैटिक्स में देखा ही होगा, तो हम लोग ने ना सिर्फ खाया पिया और उसके बाद हम लोग ने नॉर्मली आपस में मस्त जो है भाई बातें बातें करी, और उसके बाद जो अनुग्रह भैया ने हमें वापस ड्रॉप कर दिया। अब अपन गाइस चल रहे हैं अंदर और देखते हैं क्या सीन है, कुछ हुआ तो ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज समझते हैं ना। गाइस चेक दिस आउट भाई, धुआं निकल रहा होगा गर्म गर्म, नहीं गाइस आज हमें पास अंडा करी रोटी चावल राइस सैलेड, मजा आ गया भाई, मेरी फेवरेट है अंडा करी ना, मेरी फेवरेट है। चलो मैं जा रहा हूँ खाना खाने, उसके बाद मिलता हूँ। डिनर वगैरह तो ना हो गया और मैंने तुम लोग को पता है ना रिसेंटली टैब लिया है, तो भाई मैं अपने टैब के ना फुल मजे ले रहा हूँ गाइस, लिटरली बता रहा हूँ फुल मजे, मतलब मैं ये कहूंगा टैब ना एक ऐसी चीज है गाइस जो कि मैं कह सकता हूँ कि पैसा वसूल चीज है। क्यों है पैसा वसूल पता है भाई, क्योंकि मैं 2-3 दिन से इसको यूज कर रहा हूँ ना मल्टीमीडिया पर्पस के लिए, मतलब सिर्फ रात में अपना काम वाम एडिटिंग वगैरह सब व्लॉग चढ़ाने के बाद कंप्लीट करने के बाद ना मैं जो है भाई मस्त बैठ जाता हूँ इसमें, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डिज्नी हॉटस्टार प्राइम नेटफ्लिक्स ये सब देखता हूँ। तो फिलहाल तो भाई डिज्नी हॉटस्टार पे मैं देख रहा हूँ ताजा खबर और मुझे इतना मजा आ रहा है गाइस वो देखने में, अपने भुवन बाम भाई का ये भाई बीपी की वाइंस तुम सभी लोग जानते होगे भाई, कोई बताने वाली तो बात है ही नहीं भाई, इतना बढ़िया शो है ना गाइस मैं तुमको दिखाता हूँ। मैं ना इसके ना 6th एपिसोड पे हूँ, हालांकि मेरे को कम्प्लीट करना था लास्ट वाला एपिसोड इसका, ये देख रहे हो भाई बड़ी स्क्रीन मिल गई और क्या चाहिए भाई, मस्त इसको ऐसे रख लेता हूँ भाई और देखता हूँ मैं रात भर ना ऐसे इंजॉय करता हूँ, मतलब 1-1.5 घंटा तो देखता हूँ फिर सो जाता हूँ। इन चेक दिस आउट अभी कितना
क्या टाइम बज रहा है, तुम लोग मानते नहीं हो ना कि सौरभ भाई लेट क्यों उठते हैं सुबह। टाइम देखो, एक बज रहा है, डेढ़ बज रहा है, एक नहीं डेढ़ बज रहा है रात का। भाई मजा आ जाता है, समझ रहे हो ना मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मस्त देखो हाथ में पकड़ा है, इसको देखते रहो। तो ठीक है इस फिलहाल तो अपन चले अपना थाजा कबर जो है भाई इसको एंजॉय करता हूँ मैं। इसी के साथ ना अपन ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। और जाने से पहले ना मैं एक भाई को ना मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ। भाई वो ना लाइक 3-4 वीडियो से रेगुलर कमेंट्स कर रहा है। आई नो मतलब तुम सारे भाई ना रेगुलर कमेंट्स करते हो, बट वो ना काफी दिन से मेरी जान कर रहा है कि भैया प्लीज वीडियो में मेरा एक बार नाम ले लो, नाम ले लो। तो ठीक है भाई तुम्हारा नाम ले लेता हूँ। बंदे का नाम है मीत केवल रमानी। तो मीत केवल रमानी भाई थैंक यू सो मच, तुम वीडियोस को रेगुलर देखते हो, इतना प्यार करते हो और सपोर्ट करते हो। तो बिग शाउट आउट टू यू ब्रो। तुम लोग भी फटाफट इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करो, पक्का ब्लॉग्स में ना तुम लोग के भी नाम लूंगा, तुम्हें भी बढ़िया शाउट आउट दूंगा, है ना। तो चलो वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, मिलूंगा बहुत जल्दी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना सूरज की।